चैनल। सो आज क्या है आज है डे आउट विथ माय बेस्ट फ्रेंड चुड़ैल। यू टू थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर लोग हमें देखते जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, कैमरा का काम ही वही है ऑफ कोर्स। तो गाइस हम जा रहे हैं अपना यूनिफॉर्म किधर मिलता है पता करने के लिए, और इसके साथ साथ हमारा डे आउट भी हो जाएगा, हम घूम भी लेंगे, कुछ खाना लेते हैं साथ में, आती है पहाड़ी। चलो देखते हैं एक वड़ा पाव कुछ इधर। तो हमारा ज्योति जा रही है वड़ा पाव खाने के लिए, बेचारी को बहुत भूख लगा है। हेलो खाओ। कल कितने का है? कौन सा आलू बता ना। ओए बता तो ओरियो लू ये लेते खाना तुझे, मुझे भी पूछ रही भाई कहाँ गया। ये कितने का है? 35 50 50। और ये वाला दे दो। तो एड्रेस पता चल चुका है, अभी हम चलते चल रहे हैं। तो फाइनली बहुत चलने के बाद हमें दुकान मिल गया था, और फिर हम लोग अंदर जाके पता किए कितने का रेट है मतलब ड्रेस का, और फिर वहाँ से हम रिटर्न आ गए थे। छोटे बच्चे व्लॉग नहीं करते। अरे बच्चे देख के जा यूट्यूब पे कितने बच्चे व्लॉग करते हैं, कोई बात जो डालता तो कोई और होगा ना। हाँ तो यहाँ पे मैं इतनी छोटी बच्ची व्लॉग भी करती हूँ एडिट भी करती हूँ, दिखने में मजा। यार ये रास्ता चल कर व्लॉगिंग करना ना बहुत मुश्किल है। हाँ सो गाइस मैं क्या बोल रही थी। हाँ तुम कुछ मत बोलो, अच्छा लगता है मैडम ऐसा तेरे सारे क्या कुछ नहीं बोला आगे कुछ बोलो तो बस छोड़ो जाएंगे। अच्छा आप लोग गाइस यही चाहते हो ना कि कुछ ना बोले, शांति से ब्लॉक करें। शांति से ब्लॉक कैसे होता है? अगर इस ब्लॉक में इसने मेरी बेइज्जती की तो मैं इसके ब्लॉक में कभी नहीं आऊँगी। दैट्स नो प्रॉब्लम अमृता इज योर ना। अरे बेस्ट फ्रेंड का अधिकार होता है दोस्त का बेइज्जती करना। अरे मेरा हाथ दुख गया यार, बेइज्जती नहीं करते बहन तू सर तो चल। हम यहाँ पे मतलब ड्रेस का बात कर लिया, और कल आएंगे हम वापस नानी के साथ और ड्रेस का अपना माप वगैरह दे देंगे। और क्या बोल रही तू, क्या बोल रही थी वहाँ पर मेरे को भी दिया है वगैरह। अच्छा हुआ कि मैंने बीकॉम लिया है, क्यों नहीं तो मुझे भी 4600 का झटका लगता। ओ सो मैं बच गई हूँ। बच गई है, भगवान करे मेरा ड्रेस ना आए। मैं इसमें बीकॉम का ड्रेस हूँ, बीकॉम का ड्रेस नहीं है बट रेगुलर से ड्रेस है। और अभी हम जा रहे बुक के लिए, नहीं अभी हम जा रहे स्टेशन, और स्टेशन जा रहे घर नहीं जाए। तो हम दोनों बहुत थक चुके थे क्योंकि हम लोग बहुत आगे तक चल के गए थे स्टेशन के ड्रेस पता करने के लिए, और फिर यहाँ पे फाइनली हमें ट्रेन में सीट मिल गई थी, आराम से बैठे और घर हम पहुँचे। एंड देन 3-4 दिन के बाद मैं मम्मी के साथ आई थी पालघर क्योंकि हमें काम था, तो सोचा एक साथ सारे काम कर लेते हैं। तो फिर हम लोग ने माप वगैरह दे दिया था ड्रेस का, और फिर वहाँ से हम चले गए थे बुक लेने के लिए। गाइस हम अभी गिफ्ट ढूंढ रहे मतलब देने के लिए, और हमें समझ में नहीं रहे हम क्या गिफ्ट दें। मतलब एक जन का बर्थडे है और उनको हमें गिफ्ट देना है, और कुछ आइडिया नहीं आ रहा है क्या ही दें। और आज मैं मेरे मम्मी आए थे ड्रेस कॉलेज का हो क्या बोलते उसको क्या मम्मी क्या ड्रेस का क्या बोलते फिटिंग ना। हाँ ड्रेस की फिटिंग। हाँ माप दिया माप
हाँ वही क्या बोलते जो भी। तो हम एक गिफ्ट के दुकान में गए थे, बहुत बड़ी दुकान थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या गिफ्ट लेने का, क्योंकि वो अंकल 16 ईयर ओल्ड थे तो उनके लिए क्या गिफ्ट देने का कुछ आइडिया हमें आ नहीं रहा था। यहाँ वहाँ सब देख रहे थे, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, पसंद आ रहा था मगर समझ में नहीं आ रहा था क्या देने का। तो आप कमेंट में सजेस्ट करो कि क्या दे सकते हैं। हमारे प्लानिंग में चेंज है, तो हमने सोचा है कि हम अपने बॉयस से ही कुछ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि मैं ड्रेस मतलब फिटिंग देने आ रही हूँ, तो नानी के साथ नहीं आई, मम्मी आई हमारी, तो अभी हम जाते हैं। बुक भी देख ही लेते अगर आए हैं तो, क्योंकि एक बार में सब फाइनल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे प्रॉब्लम होता है। चलते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ से लेते हैं। ओके गाइस, अभी हम जहाँ से बुक लेने जा रहे हैं ना, वहाँ से एक हमारी यादें जुड़ी हुई है, कैसे वो भी हम आपको बताते हैं। चलो, ये सामने आपको दिख रहा है कांता हॉस्पिटल, और उसके नीचे हमारा बुक डिपो है, मतलब हम जहाँ से बुक लेते हैं। तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये है क्या, मतलब यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था पालघर में, और पालघर में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मतलब पूरी लाइफ मेरी पालघर से ही जुड़ी है। तो अभी हम चलते देखते बुक का दुकान खुला है कि नहीं। हाँ ये क्या है, ये दुकान है वो, ये दुकान है हमारा बुक। तो यहाँ से हम लेके जाते हैं ये महावेश। हाँ नया, हाँ यहाँ पे देख मिल जाएगा शायद। तो अभी हम देते हैं और हम अभी हम घर जाएंगे।